हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, टैक्स बचाना किसको अच्छा नहीं लगता? यदि मैं आपको कोई एक ऐसी चीज बताऊं कि जिससे आपका टैक्स बच जाए तो आपको खुशी होगी। दोस्तों, यदि आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपने अपने घर से रिलेटेड भी कोई खर्चे किए हैं, यदि आप पिछले साल आपने कुछ खर्चे अपने घर के सामान खरीदने के लिए भी किया है तो भी आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे बचा सकते हैं उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने टैक्स को बचाइए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टैक्स किस प्रकार बच सकता है। तो उसके लिए इनकम टैक्स में अभी एक रूल नोटिफाई किया है 5 मई 2021 को, जो कि एलटीसी से रिलेटेड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एलटीसी का रूल है और मैं कह रहा हूं कि घर से रिलेटेड आपने कोई सामान खरीदा उसके ऊपर भी आपको टैक्स बच जाएगा, इनकम टैक्स आपका बच जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? दोस्तों, वो पॉसिबल है। वो पॉसिबल कैसे है, उससे पहले आप ये जानिए कि आप कितना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 2021 फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी इनकम पर इनकम टैक्स लगना है उसमें आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। उस केस में आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी 36,000 पर पर्सन की, यानी कि आपकी फैमिली में जितने पर्सन हैं उनको पर पर्सन 36,000 की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आप अपनी सैलरी में से कम कर सकते हैं या फिर जो आपने खर्चा किया है उसका 1/3, जितना भी आपने अपने घर के खर्चे के लिए आपने खर्च किया था उसका 1/3 आपको छूट मिल जाएगी। इसको हम एलटीए कैश अलाउंस के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आप दोस्तों ये चीज देख रहे हैं कि 1/3 ऑफ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है। तो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर क्या है या इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, वो क्या है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस छूट को लेना चाहते हैं, इस एग्जेम्पशन को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कोई भी सामान 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में खरीदा हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज इस पीरियड में ली है, अक्टूबर से मार्च के पीरियड में ली है, तो आप उस खर्चे को क्लेम कर सकते हो, अपना आप इनकम टैक्स कम कर सकते हो। दूसरा, आप इसके संबंध में जो आप पेमेंट करेंगे वो आप रजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। तो दोस्तों, यहां पर आप जो भी आप मटेरियल परचेज करेंगे वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेंगे। आपने वो मटेरियल खरीद रखा होना चाहिए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से। तीसरा, आपने जो पेमेंट किया हो वो आपका अकाउंट कोई बैंक से हो, ड्राफ्ट से हो, या आपने एनईएफटी आरटीजीएस की है, यानी कि आपने अगर कोई मटेरियल परचेज किया है, कोई गुड्स परचेज किया है, तो वो आपने अकाउंट पे ही चेक से या बैंक के माध्यम से किया, यानी कैश में आपने नहीं खरीदा। चौथा, आपके पास उसकी टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। टैक्स इनवॉइस का मतलब कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो आपको एक इनवॉइस जनरेट करेगा जिसपे जीएसटी लगा हुआ होगा। और दोस्तों, आखिरी कंडीशन ये है कि जो भी आपने मटेरियल परचेज किया है, जो भी आपने गुड्स परचेज किया है, वो 12% से ज्यादा का उस पर जीएसटी का रेट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो माल खरीदा, जो आपने गुड्स परचेज किए, वो उस पर आप जीएसटी का रेट जीएसटी टैरिफ के अकॉर्डिंग 12% या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप खाने पीने के कोई आइटम खरीदते हो, आपका भी दिमाग में आ जाएगा कि सब मैंने खाने के जितने आइटम खरीदे थे क्या मुझे उस पर भी छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों, नॉर्मली खाने पीने के जो आइटम होते हैं वो 0% और 5% के आइटम होते हैं, तो उसके ऊपर आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपने सपोज आपने लैपटॉप खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, अगर आपने इस तरह से कोई भी आइटम खरीदा है और क्योंकि उनके ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो 12% से ज्यादा होता है, तो उस केस में आपने जितना भी खर्चा उनके ऊपर किया है उसका 1/3 तक मैक्सिमम लिमिट जो है 36,000 पर पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर 5 लोग हैं आपकी फैमिली में, तो इसका मतलब 1,80,000 रुपीज तक का आप अपनी सैलरी में से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी स्कीम है।
आपको सिर्फ करना यह है कि आपको यह देखना है कि आपने 12 अक्टूबर से और 31 मार्च के बीच में आपने ऐसे कौन कौन से आइटम खरीदे हैं जिसका कि पेमेंट आपने एनईएफटी या बैंकिंग चैनल के थ्रू किया है और आपने जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से मटेरियल को खरीदा है। अगर आपके पास वो पूरी लिस्ट है तो आप उसकी लिस्ट बनाइए, सारे इनवॉइसेस को कलेक्ट कीजिए, एक जगह पर रखिए, उनकी कैलकुलेशन बनाइए और जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आईटीआर में आप अपना एलटीए का कैश अलाउंस आप वहां पर क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।